नमस्कार दोस्तों, मॉनसून के मौसम में बहुत ज्यादा नमी, बारिश, मच्छर और काफी ज्यादा अनहाइजीनिक फूड मार्केट के अंदर और घरों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर हम बहुत ज्यादा बाहर का या फिर तेल मसाले वाला खाना खाते हैं तो हमारी सेहत पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन हमारी स्किन पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सर्दी हो या गर्मी हो, मानसून हो या फिर सूखा पड़ रहा हो, हम अपनी स्किन को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके। आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के द्वारा मानसून के मौसम में स्मूथ त्वचा पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मानसून के मौसम में अपनी बॉडी को स्मूथ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पूरी बॉडी को अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करें। जी हाँ, जब भी हम अपने फेस पर स्क्रबिंग करते हैं तो हमारी त्वचा के पोर्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जितने भी ऑयल, डर्ट, गंदगी, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें स्टोर होती है, वो आसानी से बाहर निकल जाती है। ठीक उसी तरीके से अपनी बॉडी को भी स्क्रब करना और उनके पोर्स को खोलना सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं एक ऐसा बॉडी स्क्रब बनाने की विधि जो आप घर बैठे बना सकते हैं और इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक कटोरी के अंदर आप दानेदार चीनी लीजिए। जी हाँ, आप चाहे तो घर में यूज करने वाली सफेद चीनी का यूज कर सकते हैं या फिर आप ब्राउन शुगर का यूज भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी चीनी सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीनी के अंदर आप मिलाइए लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट होता है लेमन के छिलके का ऊपरी वाला भाग, यानी कि पीला हिस्सा। आप एक साबुत लेमन यानी कि साबुत नींबू को कद्दूकस कर लीजिए और उसके ऊपर से जो छिलका धीरे धीरे ग्रेट होगा उसे लेमन जेस्ट कहते हैं। इस लेमन जेस्ट को आप चीनी के अंदर मिला लीजिए और उसके बाद उसी नींबू को काट कर उसके रस को भी चीनी के अंदर मिला लीजिए। इसके अंदर मिलाइए एक चम्मच लेमन एसेंशियल ऑयल और एक चम्मच मिंट एसेंशियल ऑयल। ये दोनों ऑयल आपको मार्केट में इजीली केमिस्ट की दुकान पर या फिर किसी बड़ी दुकान पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ इसके अंदर मिलाइए ऑलिव ऑयल। ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इन्हें थोड़ा सा पिघलने तक मिक्स करते रहिए। जब चीनी हल्की हल्की पिघलने लग जाए तो इसे बॉडी पर हल्के हाथों से रब करना शुरू करिए और धीरे धीरे रब करते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्क्रब कर लीजिए। जब आप अपनी पूरी बॉडी को स्क्रब कर लेंगे तो उसके बाद अपनी बॉडी को ठंडे पानी से या फिर जिस तरीके के पानी से आप नहाना चाहते हैं उस तरीके के पानी से नहाकर अपनी बॉडी को साफ कर लीजिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप इस बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करें तो इससे नहाने के बाद किसी भी शैम्पू, साबुन या फिर किसी भी बॉडी वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से स्क्रब का असर कम हो जाता है। ये स्क्रब ना केवल आपकी बॉडी से गंदगी को साफ करेगा बल्कि आपकी बॉडी को मानसून के मौसम में स्मूथ भी बनाएगा। इसीलिए इसे घर पर जरूर बनाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।